वेल विद्युत जामवाल अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काफी काम कर रहे हैं। वेलकम टू एंटरटेनमेंट गॉसिप, यहाँ सब फिल्मी है। मेरा नाम है वैभव और अभी अपन रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 का, स्टारिंग विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबराय, रिद्धि शर्मा, शिवा चड्ढा, देवेंदु भट्टाचार्य एंड डायरेक्टेड बाय फारूक कबीर। सो लेट्स टॉक अबाउट खुदा हाफिज चैप्टर 2। एक्टर विद्युत जामवाल को हम सभी एज एक्शन हीरो जानते हैं और उनकी लगभग हर फिल्म में धमाकेदार एक्शन होता है यार, मुझे पता है आपको भी पता है ना। और विद्युत की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 आज 8 जुलाई को सिनेमा घरों में ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है। और ये फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 1 का दूसरा पार्ट है और पहला पार्ट भी फारूक कबीर ने डायरेक्ट किया था। विद्युत की फिल्म है तो एक्शन होना लाजमी है। और कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से, जहां समीर चौधरी अपनी पत्नी नरगिस के साथ जिंदगी फिर से जीने की कोशिश कर रहा है और नरगिस डिप्रेशन का शिकार है। वो अपने पति से काफी टाइम नाराज रहती है, तो वहीं समीर उन्हें मनाने की और फिर से लाइफ में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं। तो वो सोचता है कि क्यों ना एक बेटा या बेटी गोद ले ली जाए। तो समीर एक लड़की नन्नी को गोद ले लेता है और नरगिस और समीर की जिंदगी दोबारा से बेहतर होनी शुरू हो जाती है और उनका परिवार कम्प्लीट हो जाता है। लेकिन कहानी में एक बार फिर से ट्विस्ट तब आता है जब कुछ लोग उस बच्ची को उठा ले जाते हैं और समीर उसे बचा नहीं पाता है। तो अब समीर यानी कि विद्युत जामवाल किस तरीके से उसे इंसाफ दिलाएगा, कहानी यही है। इट्स ऑल अबाउट खुदा हाफिज चैप्टर 2। और कहानी काफी वीक है अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है, सब कुछ फ्लैट है। पूरी की पूरी कहानी एकदम फ्लैट है। आपको साफ पता चल रहा है कि आप बच्ची किडनैप हो गई है, आगे क्या होगा। और विद्युत जामवाल ने खुदा हाफिज 2 में दमदार एक्टिंग करी है। मैंने कहा ना आपसे कि वो अपनी एक्टिंग स्किल्स पर काफी काम कर रहे हैं और ये जो काम था ये राइटर और डायरेक्टर का था कि स्टोरी को किस तरीके से अच्छा करना है और से एग्जीक्यूट करके ऑन स्क्रीन लेकर आना है, लेकिन इसमें वो दोनों लोग ही नाकाम रहे। बट एक्टर्स की बात करें तो विद्युत जामवाल का एक्शन अच्छा है और सारे के सारे एक्टर्स ने अपना अपना रोल बखूबी निभाया है ना। अगर मैं बात करूं कि शिवालिका ओबराय की, तो उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा कम था और उन्होंने अपना काम, उन्हें जितना दिया गया उन्होंने बखूबी किया। और ठाकुर जी के रोल में शिवा चड्ढा, राशिद कसाई बने देवेंदु भट्टाचार्य, पत्रकार के किरदार में राजेश तेलांग, नन्नी के रोल में रिद्धि शर्मा ने भी अच्छी एक्टिंग करी है। सबने अपना काम बखूबी अच्छा किया इन सारे एक्टर्स ने। लेकिन बात यहीं पर आकर फंसती है कि भाई साहब स्टोरी और डायरेक्शन। और सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो सिनेमाटोग्राफी इज माइंड ब्लोइंग। और मैं आपको बताऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग, खुदा हाफिज 2 में जो मुद्दा था वो काफी गंभीर था, लेकिन जो स्क्रीन प्ले था वो इतना धीमा था कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पाओगे। वैसे मैं विद्युत जामवाल का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं यार बायस नहीं हो पाता हूं, है ना। तो मैंने आपको ये एकदम प्रॉपर सही सा रिव्यू दिया है और बस यही है कि आप अगर विद्युत के फैन हैं तो आप इस मूवी को देखने जा सकते हैं, अन्यथा आप समझदार हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा वो घंटे का निशान।